वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइटिंग इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो काफ़ी समय बाद मुझे कल ही मूवी मिली शाम को, तो मैंने तुरंत वैसे ही देख लिया और देखने के बाद काफ़ी अच्छा ज़्यादा एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया। एंटरटेनमेंट के हिसाब से मूवी ऑसम है, एक्शन के मामले में, फाइटिंग के मामले में, स्टोरी के मामले में, और जिस तरीके से उसको एनिमेशन किया गया है और ग्राफिक वगैरह एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं गेम्स के, सॉरी मूवीज़ के। स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स इतनी बढ़िया मूवी है ये, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। आज की तारीख है 18 और ये आ गई थी 12 दिसंबर को। लेकिन हाँ, तो मैं कहाँ था, 12 दिसंबर, तो 12 दिसंबर को आ गई थी मूवी और मैंने कल शाम को देखा। तो उसके बाद इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स है जैसे कि हमारा नॉर्मल स्पाइडरमैन, उसके बाद में पीटर पार्कर जो नॉर्मल हमारा वाला है, उसके बाद में माइल्स मोरेलस जो बाद में स्पाइडरमैन बना, उसके बाद में आप स्पाइडर ग्वेन, और ये अलग ही दुनिया की नई टाइप की स्पाइडर मशीन या स्पाइडर रोबो, पता नहीं क्या नाम है इसका, मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं और ध्यान में भी नहीं है, मेरे याद भी नहीं है। और ये है स्पाइडरमैन पुराने ज़माने का, जहाँ पर दुनिया ब्लैक एंड वाइट है वो वाली। और उसके बाद में ये फनी वाला स्पाइडरमैन पिगी, यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा इसमें देख सकते हो, यहाँ पर माइल्स मोरेलस से जब वो ट्रेनिंग कर रहा था, यानी ट्रेनिंग यानी एडवेंचर चल रहा था मूवी में, तब का सीन। उसके बाद में यहाँ पर स्पाइडरमैन स्पिगी स्विगी पिगी जो भी है, उसके बाद में यहाँ पर वो ब्लैक एंड वाइट वाला स्पाइडरमैन गेम में आना चाहिए था वैसे देखा जाए तो, और इसका अलग से अपडेट देना चाहिए था गेम में, स्पाइडरवर्स इनटू स्पाइडरमैन द ऑफ स्पाइडरवर्स ऐसा कुछ अपडेट देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं है। यहाँ पर माइल्स मोरेलस, उसके बाद यहाँ पर हमारा नॉर्मल वाला स्पाइडरमैन, उसके बाद में यहाँ पर वैसे इसकी ओरिजिनल स्टोरी एनिमेटेड स्टोरी में यहाँ पर माइल्स मोरेलस का दूसरे यूनिवर्स से जो स्पाइडरमैन हमारा वाला उसके यूनिवर्स में आ जाता है ऐसा दिखाया गया था, लेकिन इस मूवी में कंसेप्ट अलग है और स्टोरी अलग है। यहाँ पर ये वाला जो सीन था मूवी में जहाँ पर सभी स्पाइडरमैन दीवार पर चिपक जाते हैं किसी आदमी से बचने के लिए, तो ये सीन काफ़ी बढ़िया और फनी था, बहुत ही ज़्यादा फनी। उसके बाद यहाँ पर स्पाइडरमैन और स्पाइडर ग्वेन एक दूसरे के साथ सामने मिलते हुए, उसके बाद में ये कॉमिक का थोड़ा सा लोगो है। यहाँ पर मूवी में कुछ मुझे अलग हटकर देखने को मिला, वो ये आयरन मैन जैसे इसके पास भी इसके सुपर आर्मर्स है, आर्मर्ड सूट्स कह सकते हैं आप लोग, यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट लिया हुआ मैंने, यहाँ पर येलो कलर का सूट है जिसके अंदर येलो या ग्रीन कलर का लाइट लगी हुई है, स्पाइडरमैन का ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक कलर का सूट है जिसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा बीच में ब्लू है, यहाँ पर ब्लू कलर का सूट है। उसके बाद में यहाँ पर रेड ओरिजिनल जो नॉर्मल वाला है, उसके बाद में यहाँ पर और एक ब्लैक, और यहाँ पर और एक ब्लैक, लेकिन ये थोड़ा अलग अलग डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट एडवेंचर है, डिफरेंट डिफरेंट हालत के हिसाब से सूट बनाए गए हैं। यहाँ पर दूसरा आपको एक इमेज दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो रेड प्लस ब्लू वाला आर्मर सूट यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर जो मैंने पीछे वाले इसमें दिखाया था वो, और ये ब्लैक कलर का अलग तरीके का सूट। अगर गेम में अपडेट आता तो कितने स्पाइडरमैन आने के चांसेस रहते, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 4 स्पाइडरमैन आने के चांसेस रहते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्पाइडर ग्वेन है, माइल्स मोरेलस ऑलरेडी है, सिल्क ऑलरेडी है, उसके बाद में स्पाइडरमैन 2019 में वो भी है, माइल्स मोरेलस तो है ही, और स्पाइडरमैन नॉर्मल वाला जो आयरन स्पाइडर भी बना हुआ है इन्फिनिटी वॉर में, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी है वो वाला भी ऑलरेडी हमारे गेम में है। तो यहाँ पर बचे कुचे बाकी और कौन से आने के चांसेस थे, एक यहाँ पर सूट देख लो, देखो करीब से देख लो, ये थोड़ा सा आर्मर न्यू, देखो यहाँ पर भी एक नीला कलर का, यहाँ पर एक है, यहाँ कहाँ गया, ये वाला है वो, यहाँ पर देखो ये एक नीला वाला सूट, काफ़ी करीब से लिया है स्क्रीनशॉट, नीला कलर का सूट है, दिखने में काफ़ी कूल है। यहाँ पर पीछे वाला येलो वाला सूट जिसका वेनम टाइप का या एजेंट वेनम टाइप का सूट यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी आंखें देखो एजेंट वेनम से काफ़ी हद तक मैच करती है। उसके बाद में ये छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स, ओके यहाँ पर कुछ ज़्यादा आर्मर्स के मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, कोशिश किया जितना हो सके उतना लेने की लेकिन ले नहीं पाया। तो इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर थे टोटल मिला के, यहाँ पर ब्लैक वाला स्पाइडरमैन जो है ये गेम में आना चाहिए था, एक
उसके बाद में स्पाइडरमैन ये स्विग वाला सॉरी पिगी वाला, उसके बाद में यहाँ पर ये रोबोट वाला, या फिर इसके रोबोट वाला का पहली बार देख रहा हूँ मैं, इसके पहले कभी भी मैंने इसके बारे में सुना नहीं था। एक स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज़ है अल्टीमेट स्पाइडरमैन, उसमें बाकी स्पाइडरमैन जितनी भी अलग अलग डायमेंशन के स्पाइडरमैन से सबको दिखाया गया है, तो उसके अंदर ये स्पाइडरमैन मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। ये अलग ही तरह का स्पाइडरमैन है, स्पाइडर गर्ल बोल सकते हो, रोबोट है। गेम में इसका अपडेट आना चाहिए था अलग से। माइल्स मोरालेस का सूट तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर दो और कैरेक्टर को ऐड करना चाहता या यूनिफॉर्म्स को। स्पाइडरमैन गैंग को तो यूनिफॉर्म दे दिया था काफ़ी पहले ही, उसके बाद में ऑलरेडी गेम में है सिल्क, वो भी ऑलरेडी गेम में है, उसका यूनिफॉर्म भी ऑलरेडी गेम में है। उसके बाद में और कौन था, स्पाइडरमैन 2019 है, वो भी ऑलरेडी गेम में है। वैसे बहुत से ऐसे स्पाइडरमैन से जो गेम में नहीं है, तो उनको होना चाहिए था अपडेट के मुताबिक। अगर अपडेट का यहाँ पर लॉन्च कर देते तो बहुत बेटर रहता। चलो कोई बात नहीं, जैसा है तैसा अच्छा है। मूवी भी काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद है मूवी और मज़ा आया देखकर। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी देखना चाहिए, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इसका। मैं थैंक यू।